चलो ठीक है। सो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं पहले पुरानी चीज का, बिकॉज उसका बहुत ज्यादा यूज है, देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज रिवीजन तुमको बेसिक सा आता है। सो इफ यू रिकॉल गाइज, इफ यू कैन रिकॉल, लास्ट क्लास में अपन जब पढ़ रहे थे तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट से गो थ्रू किया था अपन ने, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट करने से पहले, दैट इज द टॉर्क ऑन अ सर्कुलर लूप या टॉर्क ऑन अ लूप, ऐसा कुछ पढ़ा था? टॉर्क ऑन अ करेंट कैरिंग लूप, ऐसा कुछ पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? यस सर पढ़ा करेंट कैरिंग लूप, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये तो कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से समझ में आया था? इसकी वैल्यू किसको था। याद है? यस टॉर्क सर की वैल्यू आई थी कुछ एम क्रॉस बी। एम क्रॉस बी, ये तो पढ़ा पढ़ाया बोल रही है। मैंने तो अभी एम तुमको बताया नहीं है क्या होता है। आई हैवन टॉट यू, मैंने अब तक किसी को बताया ही नहीं है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। सो हाउ कैन यू से एम क्रॉस बी? मैंने उस दिन कराया था तो मैंने क्या प्रूफ कराया था, किसी को याद है? N-I-A-B. एन आई ए बी एंड देयर इज अ टर्म ऑफ साइन थीटा, A-B. याद है? आज Sin इसका theta. वेक्टर समझेंगे अपन, ठीक है? अच्छा, व्हाट दिस वाज, व्हाट दिस साइन थीटा वाज, ये साइन थीटा क्या था? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। एंगल बिटवीन, वैसे तो इसने सही बोला है बिल्कुल, दैट इज एरिया वेक्टर एंड एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? बट अगर तुमको याद हो तो लास्ट क्लास में व्हेन आई वाज डिराइविंग दिस, तो मैंने ये एंगल किस में लिया था? मैंने ये लिया था जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब प्लेन ऑफ लूप के बीच में, एंड क्या लिया था, एक लाइन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, लाइन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये सिर्फ मैंने तुमको समझाने के लिए लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको याद मत रखना, ठीक है? ये जो अर्शी ने बोला है दिस इज द करेक्ट थिंग, बट मैंने अभी तुम्हें वेक्टर फॉर्म पढ़ाया नहीं था, तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट होपिंग टू इनटू दैट वेक्टोरियल फॉर्म। बस इतने ही यूज है इसका आज। जैसे फॉर एग्जांपल तुम अपनी स्क्रीन पर दो चीजें देख रही हो, तुमको पता चला था कि व्हेन एवर द लूप इज लाइक दिस, कैसा रखा हुआ है? ऐसे रखा हुआ है कि हर डीएल का जो एंगल है ना, द एंगल बिटवीन डीएल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90, हर जगह डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 90 है। सो इन दैट केस वी हैव कंक्लूडेड कि इस पे फोर्स तो मैक्सिमम होगा। फोर्स मैक्सिमम होगा या नहीं होगा? फोर्स क्या पढ़ा था तुमने? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कैसे निकालते थे अपन? IBL आई एल क्रॉस E बी, cross L, yes sir. एल क्रॉस बी है, बी क्रॉस एल नहीं है, उल्टा मत याद रखो प्लीज। आई एल क्रॉस बी निकालते थे। सो इन अ वेरी सिमिलर वे तुम अगर यहाँ पे निकाल रहे थे तो तुमने क्या किया था, तुमने हर जगह इधर करके देखा था, एल क्रॉस बी करके देखा था। देखो करंट का डायरेक्शन ये है, तो तुमने एल क्रॉस बी किया था, डायरेक्शन कैसा आया था? ऊपर। इधर पे किया था तुमने एल क्रॉस बी, तो डायरेक्शन कैसा आया था? राइट साइड। इधर पे तुमने किया था, कैसा आया था? एल क्रॉस बी, या वेट, एल क्रॉस बी डायरेक्शन कैसा आया था? इधर। यहाँ पे तुमने किया था एल क्रॉस बी, डायरेक्शन आया था नीचे। सो ऑल इन ऑल वी हैव कंक्लूडेड कि यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो। अपन ने ये चीज कंक्लूड कर ली थी या नहीं कर ली थी? यहाँ पे सबको समझ में आ गया था कि नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो, आ गई थी बात समझ में? ऐसा यहाँ आ पे एक गड़बड़ क्या हुई थी, व्हेनेवर, अभी जैसे अर्शी ने बोला, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी सेम वे, कि सेम लूप है ना, सेम लूप जिसमें अपन ने लिया हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इन द वेरी सेम लूप। अभी ये करंट है आई, ये करंट है आई, ये करंट है आई, ये करंट है आई। आज सुन, एज अपन ने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया था, तो मैंने जो तुमको वहां पे ऊपर लिखाया अभी कि प्लेन ऑफ द लूप एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, सो हमने जो एंगल लिया था वो एक्चुअली ऐसे लिया था कि एक ये लाइन ले ली थी जो कि परपेंडिकुलर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थी, और इसके और लूप का जो प्लेन है इसके बीच में, इस एंगल को थीटा बोला था, बोला था। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे समझना, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है सब, हमारे पास ए का टर्म है और बी का टर्म है, तो हमें बी और ए में कुछ रिलेशन लाना है, तो वो देखो कैसे लाते हैं। मतलब बेसिक से आइडिया है और कुछ नहीं, बेसिक ज्योमेट्री तुम्हें पता है। अगर मैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचू, अब ये परपेंडिकुलर लाइन जो मैं खींच रहा हूँ ये एक्चुअली मैं इनवर्ड खींच रहा हूँ, मतलब ये ऐसा ऐसा कहीं जा रही होगी, है ना? दिस लाइन इज समथिंग लाइक दिस, ये परपेंडिकुलर टू दिस डीएल होगा, होगा? मतलब अगर ये एक प्लेन है, इफ दिस इज अ प्लेन, अगर 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 ये एक प्लेन है, इफ दिस इज अ प्लेन, जैसे तुम समझ रहे हो मुझे पता है, इफ दिस इज अ प्लेन, अगर ये एक प्लेन है ऐसा ना, ये अगर एक प्लेन है
सो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने इस लाइन पे, ओके। सो ये एरिया वेक्टर बताएगा हमें, ये एरिया वेक्टर बताएगा, बोलो। दिस विल टेल अस एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर में कंफ्यूजन रहता है दैट विच डायरेक्शन, बिकॉज ये भी एरिया वेक्टर है, और अगर ये मैं इधर लूंगा तो ये भी एक एरिया वेक्टर है, क्या ये एरिया वेक्टर नहीं है इधर वाला, ये भी है। सो विच एरिया वेक्टर यू हैव टू टेक दैट यू विल जज विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करेंट। तो कैसे लेना है तुम्हें, मैं लिख देता हूँ, इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया वेक्टर curl your fingers in the direction of current, ठीक है, curl your fingers, obviously curl your right hand fingers, ना right hand के fingers। तो अभी अगर तुम अपने right hand के fingers को curl करोगे तुम्हें पता चल जाएगा that area vector what I have drawn is correct, कि area vector यही होगा इस plane के लिए, area vector यही होगा। clear है बात सबको, बोलो। और हम लोग ने जो थीटा बोला था, अब यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम हियर, तुम यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाऊँ तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, मतलब वो बन नहीं पाएगा मेरे से, क्योंकि वो इनवर्ट द प्लेन है। ये जो लाइन मैं पिंक से बना रहा हूँ ना, दैट इज इनवर्ट द प्लेन, ये क्रॉस के डायरेक्शन नहीं है, बट वो मैं बना नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो समझने का ट्राई करना ये कैसी है, बच्चों मेरे इनवर्ट द प्लेन ही है ना, ये इनवर्ट द प्लेन है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, ऊपर नहीं है ये, किधर है ये, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन मैंने बनाया। तो तुम्हें पता है कि अगर ये है, ये अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रही है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो वर्टिकल से कितना बनाएगा, वो भी थीटा बनाएगा, है ना, ये अपन जानते हैं बेसिक सिंपल ज्योमेट्री से, जानते नहीं जानते हैं? कोई चीज है अगर वो किसी हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा बना रही है, तो उसके परपेंडिकुलर वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन से भी क्या बनाएगी, थीटा बनाएगी। यहाँ पे जैसा बोला अर्शी ने, बिल्कुल वही रिजल्ट आता है, कि यहाँ पे हम वो एंगल लेते हैं जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल, आई बात समझ में? देखो इधर रख के और समझा देता हूँ मैं। तो वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, देखना ध्यान से, वेक्टर फॉर्म ऑफ द टॉर्क, वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क क्या होता है, तुम्हें पता है स्केलर फॉर्म टॉर्क का, तुम्हें पता है क्या होता है, एन आई ए बी, है ना। तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं, एन आई ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे पढ़ानी है ना पलक, वो क्या है, वो एक्चुअली है डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तुम्हें क्या बताना है मुझे, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ये डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए होता है क्योंकि इसका डायरेक्शन कहीं और होता है, और एक्चुअली में बॉडी कहीं और मूव हो रही होती है, सेम लाइक एरिया वेक्टर, कि हमें लगता है वो सरफेस जैसा है बट वो होता कहीं और है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर तुम अभी इसमें सोच के बताओ मुझे, सिंपल सादी सी बात मुझे सोच के बताना, है ना, कुछ अभी टॉर्क और का ज्यादा कंफ्यूजन मत लाना, जो तुमने नेक्स्ट लास्ट क्लास में पढ़ा है उसी को सोच के बस जज करने का ट्राई करना, कि मान लो ये तुम्हें पता है ये इस एक्सिस के अलोंग घूमेगा, घूमेगा या नहीं घूमेगा, तो तुम्हें बस मुझे ये बताना है कि इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, कैसे घूमने वाला है ये, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, कौन सा ऑप्शन के तरीके घूमेगा ये जो लूप है, दिस यू हैव टू टेल बी, मतलब ओके ये बी कह रही है, बाकी लोग बताओ, कैसे कैसे जज कर रहे हो, हाउ आर यू जजिंग, कैसे करेगा। अभी तुम कुछ मत देखो, तुमने डीएल क्रॉस अभी तुमने ये बताया, तुम फोर्स कैसे बताते हो, तुम हर हर करंट कैरिंग लूप कंडक्टर पे फोर्स कैसे बताते हो, फोर्स का डायरेक्शन एल क्रॉस बी से बताते हो ना, और एल कैसे लेते हो करंट की डायरेक्शन में, यहाँ पे एल पता है, यहाँ पे एल पता है, तुम्हें पता है, देखो इस पे तो कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, पढ़ा था अपन ने लास्ट क्लास में, नहीं पढ़ा था, बोलो बच्चों, इस बिकॉज इस पे तो फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, अरे बताया नहीं था मैंने लास्ट क्लास में, फिर से बताऊं क्या, देखो इन दो का लाइन ऑफ एक्शन सेम आया था नहीं आया था, यस सर, तो इन दो का जब लाइन ऑफ एक्शन सेम आया था तो कोई बात ही नहीं बची थी कि टॉर्क होगा, टॉर्क किसकी वजह से हो रहा है, जो इधर पे फोर्सेस लग रहे हैं, तो इस पे तुम अपना दिमाग लगाओ, जल्दी से डीएल क्रॉस आर करके बताओ ना मुझे किधर घूमेगा, ए या बी, सही बोल रही है गलत बोल रही है, अर्शी मानसी, मानसी आई होप यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड, है ना, दीज आर नॉट द वेरी व्हाट यू से अपेरेंट थिंग्स, काफी सिमिलर चीजें, बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं अपन, कोई लगे दिक्कत पूछना बेटा, बताओ बताओ जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, वी हैव टू डिस्कस मेनी थिंग्स गाइस,
हाय सौम्या, बहुत दिन बाद। तुम लोग बहुत दिन बाद क्यों ज्वाइन कर रहे हो सौम्या? सौरभ लास्ट क्लास में नहीं आए थे ना बेटा? तुम गोला मार दिए थे। नहीं खैर आए? नहीं थे, गोला मारा था तुमने। आए थे? ए होगा। सर, ए होगा। कैसे देख रहे हैं अपन ए? सिंपल सी बात है यार, इतना कंफ्यूज क्यों हो तुम लोग? देखो डीएल का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा पिच्छू है। तुम डीएल क्रॉस क्या करोगे? तुम डीएल क्रॉस बी करोगे तो किधर आएगा? एल क्रॉस बी इधर आएगा ना, डायरेक्शन फोर्स का। इस वाले पे करोगे तो कैसा आएगा? ये एल का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। एल क्रॉस बी करोगे इधर आएगा, नहीं आएगा? तब खुद सोचो, इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, तो ये कैसे घूमेगा? कम ऑन गाइस, बोलना पड़ेगा तुम्हें। ऐसे चुप चुप बैठ के नहीं पढ़ा करो। नहीं आया समझ, नहीं आया समझ में? अभी आया या नहीं आया? नहीं आया सर। अरे ये देख, ये एल का डायरेक्शन है। सर ये तो पता चल गया कि फोर्स किधर वर्क कर रहा है, लेकिन ये ये रोटेशन कैसे होगी ये समझ नहीं आया। ऐसे है, इसको मैं इधर खींच रहा हूँ, इसको मैं इधर खींच रहा हूँ, तो ये ऐसे नहीं घूमेगा। वही चीज तो हो रही है, इसको फोर्स इधर खींच रहा है, इसको फोर्स इधर खींच रहा है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन इधर है, तो ये ऐसे ऐसे करके ऐसे नहीं घूम जाएगा। इसमें तेरे को क्या नहीं समझ आ रहा बेटा? अरे लूप रखा है, ये लूप है, इसको फोर्स तुम इधर लगा रहे हो, इसमें इधर लगा रहे हो, तो ये ऐसे नहीं घूम रहा है। तो इसमें फोर्स इधर, इसमें फोर्स इधर, ये कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है। बोलो, अभी भी नहीं आ रहा समझ में क्या? बी के साइड क्यों नहीं घूमेगा? ऐसे जो मैंने बताया था वैसे क्यों नहीं घूमेगा बी ऑप्शन? वैसे इसलिए नहीं घूमेगा क्योंकि अगर ऐसा रखा होता, अगर ये ऐसे रखा होता, ऐसे कि इधर वाला ऐसा, या करंट इसमें उल्टा फ्लो करता तब ये घूमता। अभी ये ऐसे थोड़ी ना रखा है। तेरे तरीके से कब घूमेगा? जब इस पे फोर्स इधर लगे, इस पे फोर्स इधर लगे, तब ये ऐसा घूमेगा ना, तब ये ऐसे डायरेक्शन में घूमेगा। अभी इस पे फोर्स किधर लग रहा है? इस पे इधर और इस पे इधर लग रहा है, तो ये ऐसे ऐसे टर्न करना चाहेगा ना बेटा। तो डायरेक्शन को लेके कंफ्यूज हो रही है मैं भी। ये अपने पास आगे है, ये अपने पास पीछे है। बाकियों का क्या ओपिनियन है? बाकियों को आ रही है ये चीज, नहीं आ रही है? अरे यार, तुमको मैं ये चीज नहीं समझा पाया तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तो मैं समझा ही नहीं पाऊंगा। तुम पढ़ भले ही लोगे उसको, बट समझ नहीं पाओगे एंड ऑफ द डे। तो एक बार बताओ माइक ऑन करके कि ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होने वाला है। बोलो। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, आई होप बोलने के लिए नहीं बोल रहे हो। तो अब इधर ध्यान से देखना, ठीक है? तो तुम्हें अब ये पता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यही होगा। तो अब देखो, टॉर्क तुम्हें अगर पता हो, टॉर्क अपन कैसे निकालते हैं? जैसे आर क्रॉस एफ करते थे, बेसिक आर क्रॉस एफ। तो जो फिंगर्स का कर्ल का डायरेक्शन होता है वो क्या देता है तुम्हें कि मोशन किधर होगा, और थंब बताता है टॉर्क का डायरेक्शन। पता है चीज? नहीं पता है तुम्हें? फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज अगर ऐसे घूम रही है, देखो मेरी पेंसिल देखना, अगर ये पेंसिल ऐसा 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 घूम रही है, तो मैं क्या बोलूंगा? इस पे टॉर्क का डायरेक्शन किधर है? अंदर की तरफ। कैसा है टॉर्क का डायरेक्शन इस पे? इनवर्ड। पता है चीज? नहीं पता है तुम्हें? ये अगर ऐसे ऐसे घूम रही है, तो इस पे टॉर्क का डायरेक्शन किधर होता है? इनवर्ड। और इसके मोशन का डायरेक्शन अपन बताते हैं, फिंगर जहां पे कर्ल हो रही है उधर से, बट थंब बताता है टॉर्क का डायरेक्शन। पता है ये बात? नहीं पता है? बोलो। यस सर, यस सर, पता है। तो अगर ये चीज घूम ऐसे रही है, तो इस पर टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा? अगर ये घूम ऐसे रही है, तो इस पर टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर या नीचे? नीचे 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 होगा। वेरी वेल, सबने लगाया राइट हैंड। मैंने बोला ना, फिंगर्स बताएगा तुम्हें किधर मोशन हो रहा है, ये बताएगा टॉर्क का डायरेक्शन। तो टॉर्क लग रहा है नीचे, इस पे नेट टॉर्क जो लग रहा है वो लग रहा है नीचे। तो अब टॉर्क की वैल्यू देखो, जो वेक्टर फॉर्म में अपन ने लिखी है, वो कैसे लिखी है? ए क्रॉस बी। तो तुम अगर ए क्रॉस बी करोगे, ये तुम्हारा एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर तुम्हें बता दिया मैंने कैसे लेना है। तुम करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करोगे, तो थंब का डायरेक्शन तुम्हें एरिया वेक्टर दे देगा। ये एरिया वेक्टर जहां तुम्हें मिला, तुम अब क्या करोगे? ए क्रॉस बी। तो जब बच्चों तुमने ए क्रॉस बी किया, व्हेन यू आर डूइंग ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी करने पे तुम्हें टॉर्क किधर मिल रहा है? नीचे। आई बात समझ में? यस कैलकुलेटर सर, यस सर। नीचे इन एवरी केस, ठीक है? अब यहां से कॉन्सेप्ट जनरेट होता है गैल्वेनोमीटर का। किसका? यहां गैल्वेनो से कॉन्सेप्ट जनरेट होता है गैल्वेनोमीटर का। अब गैल्वेनोमीटर होता क्या है? व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? इट्स अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। ठीक है, इट्स अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट करेंट, बट याद रखना, इट्स अ डिवाइस, इट्स अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, एक्चुअली वेरी सेंसिटिव डिवाइस, डिवाइस यूज्ड टू मेजर वेरी सर स्मॉल करंट तो करंट। एमएमीटर से मेजर करते हैं। लिख रहा हूँ मेरे बच्चे, लिख रहा हूँ। क्या लिखा है मैंने? इसीलिए मैंने क्या लिखा है इधर,
इट इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस यूज टू मेजर वेरी स्मॉल करेंट, बहुत छोटे करंट को मेजर. आजकल कोई भी इसको यूज नहीं करता, बीइंग वेरी फ्रैंक. आजकल हमारे पास मल्टीमीटर्स है, बट फिर भी ये समझना जरूरी है बिकॉज इसके मैकेनिक्स बहुत अच्छी है. तो तुम्हें पता चला कि गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस हमें बनानी है जो बहुत छोटे से छोटे अमाउंट ऑफ करंट को क्या कर ले, डिटेक्ट. अभी अमीटर की बात कोई नहीं करेगा, अभी तुम्हें नहीं पता है अमीटर क्या है, ठीक है, नहीं पढ़ा है अभी हमने, वो पढ़ेंगे. तो यहाँ तक सबको क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया गैल्वेनोमीटर करना क्या वाला है इधर पे. अब गैल्वेनोमीटर कई तरीके के होते हैं. गैल्वेनोमीटर इज नॉट अ वन टू और थ्री टाइप्स, दे आर ऑफ मेनी टाइप्स. अपन जो पर्टिकुलरली सिलेबस में पढ़ते हैं वो कौन सा गैल्वेनोमीटर है, मूविंग गैल्वेनोमीटर. कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है. ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ऑन विच प्रिंसिपल इट वर्क्स, इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल की बात करूं, क्या है इसका प्रिंसिपल, कौन बता रहा था क्या है प्रिंसिपल. हाँ, मतलब सादी सिंपल सी बात ये है कि व्हेन आ करंट कैरिंग कॉइल और लूप इज प्लेस्ड इन आ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, है ना, इट इट एक्सपीरियंसेस अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इट एक्सपीरियंसेस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. देखो अब तुम्हारे पास क्या तुम्हें करना है, पहले फिजिकली समझ लो, देन मैथमेटिक्स में जाएंगे. तुम्हें कहानी सब चर्चा समझ में आएगी. नाउ योर बेसिक मोटिव इज फॉर टुडेज क्लास कि तुम्हें एक डिवाइस बनाना है, और वो डिवाइस तुम्हें ऐसा बनाना है कि मैं जितना ज्यादा करंट फ्लो करूं उतना ही ज्यादा वो क्या हो, डिफ्लेक्ट हो. और ये बात तुम्हें इस फॉर्मूले से समझ में आ रही है क्या, ये फॉर्मूला तुम्हें ये एक्सप्लेन कर पा रहा है कि जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, क्या ये फॉर्मूला तुम्हें कहीं से चीज डिपेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, बताओ सोच के मुझे. यस सर. कैसे कैसे आई ज्यादा तो टॉर्क ज्यादा, आई ज्यादा तो टॉर्क ज्यादा, तुम्हें दिख रहा है दैट इट इज वेरी प्रोपोर्शनल टू आई. तो यहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है दिव्या, यहाँ से एक अप्रोच लगती है कि हाँ यार ये एक ऐसी चीज है जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा ये घूमेगा, तो हम इससे बना लेंगे कि करंट कब ज्यादा कब कम है. तो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अ डिवाइस दैट कैन मेजर हाई करंट लो करंट, कितना बढ़ रहा है क्या हो रहा है, वो सब चीजें मेजर करेंगे. अब देखो उसकी वर्किंग समझो. वर्किंग बहुत सादी सिंपल सी है. अब तुम्हें पता है तुम्हें सबसे पहले तो क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगी, मैग्नेट से. एक ले लोगे नॉर्थ मैग्नेट, एक ले लोगे साउथ पोल, क्योंकि हर मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं या नहीं होते, बोलो. समझ में आ रहा है, देखा है ध्यान से. वर्किंग एक काम करते हैं, कुछ कुछ चीजें अभी हटा दो, इन सबको मैं अलग रख देता हूँ अभी, फिर बीच बीच में अपन अभी इसको असेंबल करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले तो अपने को चाहिए था मैग्नेटिक फील्ड, दैट टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो अपन सबसे पहले क्या लेके आए, मैग्नेट. ये तो बच्चा बच्चा जानता है भाई, गैल्वेनोमीटर बनाना है तो सबसे पहले मैग्नेट लेके आओ. अब इस मैग्नेट की वजह से इफ आई लास्ट यू व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आई होप पता होगा तुम लोग को. महक मानसी यू शुड हैव नोन टू दिस, निकिता सौम्या पता है, नहीं पता बेटा कैसा होता है डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ. नॉर्थ टू साउथ, एवरीवन नोस दैट इट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो नॉर्थ टू साउथ दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बोलो यस और नो. यहाँ पे एक करंट कैरिंग कॉइल को लाके रख देना है. तुमने यहाँ पे करंट कैरिंग कॉइल को लाके रख दिया लूप, ठीक है. सबको दिख रहा है कि मैंने करंट कैरिंग लूप को इधर लाके रखा, ये लूप सबको दिख रहा है. अच्छा, देर आर सम एन नंबर ऑफ टर्न्स. अभी उस पर क्वेरी मत करना कि सर स्क्वायर क्यों नहीं लिया, सर्कुलर ही क्यों लिया, डोंट बॉदर योरसेल्फ अबाउट इट नाउ. चलो, सो इसमें करंट फ्लो हो रहा है. सो करंट फ्लो हो रहा है, क्या तुम मुझे इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बता सकते हो, करंट फ्लो हो रहा है इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, पीयूष संतोष पलक अपवर्ड होगा. सबको समझ में आया अपवर्ड होगा कैसा, तुमने राइट हैंड करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करी, तुम्हें एरिया वेक्टर मिल गया, ये एरो के डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा, होगा या नहीं होगा. तो एरिया वेक्टर तुम्हें पता है. अब ये एरिया वेक्टर है, दिस इज द एरिया वेक्टर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है, इस पर टॉर्क किधर एक्ट करने वाला है, इस पर टॉर्क किधर एक्ट करेगा, सोच के बताओ, सोचो सोचो जल्दी सोचो किधर करेगा, इनसाइड द प्लेन.
इनसाइड द प्लेन, देखो अगर है, इनवर्ट हाँ इन्वर्ट करेगा। देखो अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो इधर समझना, अभी अपन ने इसको कैसे रखा हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हमने इसको ऐसे कैसे रखा हुआ है पता है, मैग्नेटिक फील्ड में ये मेरा लूप है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखा है, जैसे अभी ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड में बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है मेरा लूप, कि तुम्हें अगर तुम साइड वेट अ मिनट, कि अगर तुम इसको साइड एंगल से देखोगे ना तो कैसा दिखेगा मुझे बताओ, अच्छा सोच के कोई। एनीवे ट्राई टू थिंक एंड गेस, कि इसको अगर तुम अपन साइड पोज से देखेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो अपना लूप कुछ ऐसा रखा है कि अपने उसे एक डायरेक्शन दिख रहा है, ये पूरा पूरा ऐसा सीधा हो गया है। आ रही बात समझ में, मतलब एरिया वेक्टर इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, है या नहीं है? देखो इधर एरिया वेक्टर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है या नहीं है मैग्नेटिक फील्ड से? यस सर। तो ये कौन सा केस होता है? ये तो वाला केस होता है जिसमें हमको सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या मिलता है, मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, नहीं मिलता? अगर इसको स्केलर फॉर्म में लिखूंगा मैं एन आई ए बी साइन थीटा, तो हमें इस केस में क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम टॉर्क मिलने वाला है नहीं? तो देखो एक बार अपने आप को सेटिस्फाई करो, इधर देखो इधर पे देखो, अपने आप को सेटिस्फाई करो कि हाँ सर एरिया वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसा है, परपेंडिकुलर है, इफ आई डू ए क्रॉस बी तो परपेंडिकुलर टॉर्क का डायरेक्शन अंदर आएगा। अच्छा टॉर्क का डायरेक्शन अंदर है, बट ये घूमेगा किधर, बट ये घूमेगा किधर, टॉर्क का डायरेक्शन अंदर है, घूमेगा किधर ये बताओ। अच्छा क्या तुम समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला, टॉर्क के डायरेक्शन में अगर तुम फिंगर कर्ल करोगे, लाइक टॉर्क का डायरेक्शन इनवर्ड है, जहां तुम फिंगर कर्ल कर रहे हो वो क्या बताएगा, इसके इसके क्या बताएगा, वो बोलो रोटेशन। रोटेशन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये कैसे रोटेट करेगा, देखना समझना, क्या मैं बोल सकता हूँ ये कुछ ऐसे रोटेट करने वाला है, ऐसा कुछ रोटेट कर जाएगा ये, बोलो यस सर। करेगा नहीं करेगा? नहीं आया समझ में तुमको, ऐसा कुछ आया करेगा नहीं करेगा, बोलो रोटेट। यस सर। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस यहाँ पे क्या लगा देना है, एक स्केल लाके लगा देना है, हो गया मेरा काम, बन गया गैल्वेनोमीटर। तो इस गैल्वेनोमीटर ने क्या किया, जैसे ही इस पे टॉर्क लगा उसने इसको घुमा दिया। बट अब यहाँ गड़बड़ क्या है, वो गड़बड़ समझो, अगर यहाँ पे ये ऐसे घूम गया तो इस पे तो टॉर्क कंटिन्यूअसली लगेगा, तो ये तो पूरा ऐसा करके ऐसे घूम जाएगा, ऐसा घूम जाएगा, नहीं घूम जाएगा, और फिर इनर्शिया के कारण तो फिर तो ऐसे गोल 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 घूमता ही रहेगा। वी डोंट वांट दिस टू हैपन, इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक रीस्टोरिंग टॉर्क वाली स्प्रिंग अटैच करा सकते हैं, नहीं करा सकते? यहाँ पे मैं ऐसे इसको कनेक्ट करके कैसा ऐसा गोल 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 करके एक स्प्रिंग लगा दूं इधर, मान लो ऐसा लीफ स्प्रिंग टाइप, है ना, लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता मैं इधर, इधर पे ऐसा ऐसा एक लीफ स्प्रिंग लगा दी, तब ये स्प्रिंग के अच्छा दोनों तरफ इसलिए लगाई जैसे बैलेंसिंग हो पाए, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप से तो झुक नहीं जाएगा वो। तो जैसे ही मैंने स्प्रिंग लगाया तो क्या तुम्हें अब दिख रहा है कि अब ये क्या होगा, टॉर्क बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और उससे के इक्वल अमाउंट में क्या होगा, स्प्रिंग का रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, तेजी होगा, वो चीज रेस्ट पे आ जाएगी एक टाइम के बाद, मतलब ऐसा नहीं कि गोल 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 चक्कर मारती रहेगी, जैसे ही करंट का एक मैक्सिमम वैल्यू आया वो एक पॉइंट पे आके रुक गई। तो ये तुमने यहाँ पे बच्चों क्या बना लिया है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। ठीक है, वर्किंग समझ में आ गई सबको, हाउ इट विल गोना वर्क, बोलो वर्किंग में किसी को कोई यस कंफ्यूजन सर। है कैसे वर्क कर रहा है? यस अच्छा कई बार सर। क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो याद रखना हम यहाँ पे एक मिरर लगा के रखते हैं, अगर तुमने स्कूल में कभी देखा होगा तो यहाँ पे ऐसे एक मिरर लगा रहता है, देखा है? यस सर, बताया था आपने, वो देखा मिरर है, पता है ना क्यों लगा रहता है, ताकि पैरेलेक्स की प्रिसाइज वजह से वैल्यू के रीडिंग लिए। गलत ना हो। गलत ना हो, क्योंकि हो सकता है कि अभी कोई चीज ऐसे ऐसे रखी हुई है, तो तुम इधर से मेजर कर रहे हो तो तुम्हें अलग दिख रही है, इधर से मेजर कर रहे हो थोड़ी डिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसलिए मिरर रहता है तो क्या वो उसी प्लेन में रहे। चलो ये चीज तुम्हें पता है, वेरी वेल। अब इसकी मैथमेटिक्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मैथमेटिक्स समझते हो और इसके थोड़े फ्लॉस समझते हैं। तो पहले इसकी मैथमेटिक्स देख लो जल्दी से। तो इसकी मैथमेटिक्स क्या बोलती है, बहुत सिंपल सादी सी बात बोलती है, तुम्हें पता है इस पे जो टॉर्क लग रहा है वो कितना लग रहा है, मैक्सिमम एन आई ए साइन थीटा, यही लग रहा है, हाँ एन आई ए बी साइन थीटा यही लग रहा है, बोलो ये यही इस पर टॉर्क लग रहा है। यस और जो स्प्रिंग इसको सर। रोक रही है वो स्प्रिंग कैसी वाली है, नॉर्मल स्प्रिंग तो है नहीं, जो लीनियर स्प्रिंग नहीं है, कैसी रेडियल स्प्रिंग बोलते हैं इसको अपन, कैसी जो तुम्हारी साइकिल की गद्दी वगैरह में रहती थी, रेडियल स्प्रिंग बोलते हैं इसको। तो रेडियल स्प्रिंग क्या करती है, जैसे नॉर्मल स्प्रिंग एक्स के साथ फोर्स बढ़ाती है, थीटा के साथ फोर्स बढ़ाती है, तो हम इसमें जो स्प्रिंग ले लेते हैं उसको बोल देते हैं कि उसकी स्टिफनेस सी है, तो हम क्या बोल देते हैं कि मान लो वो सी फाई पे डिपेंड कर रहा है, तो ये टॉर्क कितना हो जाएगा इसका, सी इंटू फाई टॉर्क हो जाएगा। नहीं आया समझ में तुमको ये चीज, नो सर।
अरे मैं बताता हूँ, देखो मान लो तुम्हारे पास ऐसा एक स्प्रिंग है, ये वाला स्प्रिंग है, ये नॉर्मल स्प्रिंग नहीं है, कैसे स्प्रिंग है, ऐसे वाला स्प्रिंग है जो उसमें रहता है चाबी भरते हैं खिलौनों वगैरह में रहता है ना, तो इट्स दैट काइंड ऑफ स्प्रिंग, इट्स नॉट द सिंपल स्प्रिंग, वो होता है लीनियर स्प्रिंग, इसको रेडियल स्प्रिंग बोलते हैं अपन। सिंपल स्प्रिंग क्या करता है, रीस्टोरिंग फोर्स बनाता है, ये वाली स्प्रिंग क्या करता है, रीस्टोरिंग टॉर्क बनाता है। तुम इसको अगर खींच के अगर तुम ऐसे दबाओगे, तुम अगर इसको ऐसे खोल दोगे थोड़ा सा, तो ये क्या करेगा, ये वापस से क्वाइल होना चाहेगा, है ना, ये वापस से क्वाइल होना चाहेगा, तो ये क्या लगाएगा, तुम इस पे टॉर्क लगाओगे इसको खोलने के लिए, तो ये एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा तुम्हें वापस से बंद करने के लिए, अपने वापस से रिकॉइल होने के लिए। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रिकॉइलिंग, रेडियल टॉर्क, रेडियल स्प्रिंग। और यहाँ पे अपन वैसी स्प्रिंग लगाते हैं, रेडियल स्प्रिंग लगाते हैं, तो रेडियल स्प्रिंग क्या करती है, जैसे तुम्हें पता है अगर नॉर्मल स्प्रिंग रहती तो वो क्या करती, के एक्स फोर्स जनरेट करती है, जिसमें एक्स क्या होता है, कितना तुमने उसको खींचा है पकड़ के। अब यहाँ पे तुम खींच नहीं रहे हो, यहाँ पे उसको तुम क्या कर रहे हो, ऐसा किसी थीटा एंगल से क्या कर रहे हो, डेविएट कर रहे हो ना, यू आर डेविएटिंग विद अ सर्टेन एंगल थीटा। तो ये क्या करता है, ये रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करता है। तो ये जो सी फाई है, ये सी फाई एक्चुअल में क्या है, ये सी फाई एक्चुअली में ये बताएगा, ये सी फाई एक्चुअल में ये बताएगा तुम्हें, इधर देखना ध्यान से, दिस सी फाई विल एक्चुअली टेल यू कि कितना ये स्प्रिंग क्या हुई है, डेविएट हुई है। आ रही बात समझ में, कितना ये स्प्रिंग क्या हुई है, डेविएट हुई है। गेटिंग माय पॉइंट, फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो तुमने यहां से डिफाइन करा, तो जब ये एरो बिल्कुल इसके ऊपर आ रहा था तब स्प्रिंग कितना डेविएट थी, 0 डिग्री। यहां पे आ गया तो मान लो कुछ थीटा डिग्री से डेविएट, या थीटा नहीं 5 डिग्री से क्या हो गई, स्प्रिंग डेविएट हो गई है। तो ये इस पर टॉर्क कितना लगा रही होगी, सी फाई, इस पर जो टॉर्क अभी लग रहा होगा सी फाई होगा, और वही टॉर्क कौन बैलेंस कर रहा है, जो इस पे थीटा के कारण मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है या नहीं। पर सी बात समझ क्या में, क्या सी अस्ति बेटा, जैसे उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट रहता है ना, के इसमें इसका कांस्टेंट है स्प्रिंग का सी, दैट्स इट। है? इसको ओके क्या सर। बोलते हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसको अपन बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं सी को, ऐसे मैं लिख देता हूँ, सी इज नथिंग बट, सी को क्या बोलते हैं तो मैं लिखता हूँ, सो इट इज अ डेविएशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इट इज अ टॉर्क, इट इज अ टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि अगर तुम एक यूनिट से इसको घुमाओगे तो ये कितना फोर्स लगाएगा। सिंपल सी यार, तुम के एक्स फोर्स में क्या होता है, अगर तुम इसको किसी भी स्प्रिंग को एक यूनिट 1 मीटर से खींचोगे तो के अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगी या नहीं लगाएगी तुम पे। बेटा लीनियर स्प्रिंग यहाँ पे कैसे लगाएंगे, जो यार एक बात बता, तू खुद सोच, लीनियर स्प्रिंग कैसे लगाएंगे यहाँ पे, अपने को अगर लीनियर स्प्रिंग लगानी होगी तो हम लीनियर स्प्रिंग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट समझो ना, यहाँ पे चीजें घूम रही हैं, तो जहां पे घूमने वाली चीजें आती है वहां पे हम यूजुअली क्या यूज करते हैं, रेडियल स्प्रिंग यूज करते हैं, हमने उसको बनाए ही इसलिए। मतलब ही क्या, तुम्हारे घर में पनीर है पर फिर भी तुम्हें दाल ही खानी है तो तुम पनीर को खरीद के ला रहे हो, तो इन अ वेरी सेम वे हमने रेडियल स्प्रिंग बनाई ही उन चीजों को रोकने के लिए है जो चीजें टॉर्क की वजह से घूम रही है ना। सो दे इन दैट केसेस वी यूज रेडियल स्प्रिंग, अगर लीनियर मोशन कहीं होता तो वहां पे हम लीनियर स्प्रिंग यूज करते हैं, या लीनियर मोशन है ही नहीं तो इसलिए हम रेडियल स्प्रिंग यूज कर रहे हैं। अब तुम्हें यहाँ पे देखो बस कुछ नहीं करना है, ये यहाँ से फॉर्मूला जनरेट होता है, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूले को समझ लेना ध्यान से, है ना, ये फॉर्मूला क्या कहता है, अभी भी इसको तुम अगर थोड़ा सॉर्ट आउट करोगे तो तुम इस फॉर्मूले को देख के एक चीज समझेगी, तुम्हें एक चीज समझेगी कि जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा ही फाई, ये फाई मैंने तुम्हें बता दिया क्या है, जो तुम्हें एक्चुअल में मेजर करना है, तुम एक्चुअल में मेजर क्या करना चाह रहे हो, ये फाई मेजर करना चाह रहे हो ना बच्चों, व्हाट यू वांट टू मेजर एंड ऑफ द डे, यू वांट टू मेजर दिस फाई, तुम ये फाई मेजर करना चाह रहे हो, जितना ज्यादा फाई बढ़ेगा उतना ज्यादा तुम्हारा एरो होएगा और तुम वही एरो को इधर पे मेजर कर रहे होगे स्केल पे, क्लियर है बात। अब देखो इधर ध्यान से, अगर तुम इसको ध्यान से देखो फॉर्मूले को, और मैं अगर तुमसे बोलूं कि लेट अस ट्राई टू प्ले अ लिटिल विद दिस इक्वेशन, अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो क्या क्या चीजें कॉन्स्टेंट है, मुझे बताओ क्या क्या चीज कॉन्स्टेंट है इधर पे, टेल मी व्हाट आर द थिंग्स कॉन्स्टेंट हियर, एरिया कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, और बताओ, एन भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ कॉइल्स थीटा भी नहीं, कांस्टेंट है, थीटा नहीं कांस्टेंट है, क्या और देखो और क्या कांस्टेंट है, बस सी भी कांस्टेंट है, ये सी भी क्या है, कांस्टेंट है ना, ये तो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास अगर तुम ध्यान से देखो, कैन आई से दैट आई साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, ऐसा कुछ लिख सकता हूं मैं,
अब जैसे ध्यान से देखो तुम्हारी नीड क्या थी, व्हाट वाज योर नीड? तुम्हारी नीड थी कि जैसे जैसे करंट बढ़े वैसे वैसे फाई बढ़े, जैसे जैसे करंट बढ़े वैसे वैसे फाई बढ़े। क्या वो नीड यहाँ पे पूरी होती दिख रही है? एंड ऑफ द डे तुम्हें चाहिए था कि जैसे जैसे आई बढ़े वैसे वैसे फाई बढ़े, वो बढ़ रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे एक लोचा आ रहा है, वो लोचा क्या आ रहा है? ये जो थीटा है, ये थीटा यहाँ पे क्या हो रहा है? घट रहा है, चेंज हो रहा है, घट रहा है। तो मतलब कहने की बात क्या है कि जो करंट है वो करंट और फाई का जो रिलेशन है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो एक चीज पे और डिपेंड कर रहा है, वो क्या है? थीटा। और थीटा क्या है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। और ये भी यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज। तो अब तुम्हें कुछ ऐसा जुगाड़ लाना है कि यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, इसका कॉन्सेप्ट, इस थीटा का कॉन्सेप्ट है। आई बात समझ में? कुछ ऐसा करो कि यहाँ से ये थीटा के इंडिपेंडेंट हो जाए। अब थीटा कितना होना चाहिए? जीरो हो सकता है क्या थीटा? क्या जीरो कर दूं थीटा में चलेगा? थीटा जीरो का मतलब क्या है कि ये कुछ ऐसी आ गई है, बोलो थीटा जीरो कर दूं? बोलो, सोच के बोलो एक बार, थीटा जीरो करना सही होगा क्या? अच्छा, थीटा जीरो कर दोगे तो मैग्नेटिक टॉर्क कितना हो जाएगा? जीरो। तो क्या थीटा जीरो करना सही होगा? नो सर। थीटा कितना कर लेना चाहिए अपने को? 90। तो 90 करने के लिए अपन एक दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिसको अपन कहते हैं, जो प्रैक्टिकली ज्यादा यूज होता है, वो है, इसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। कैसी मैग्नेटिक फील्ड वाला? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें पता है क्या करेगी? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? ऐसी फील्ड होगी जो ट्राई करेगी कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल हमेशा कितना रहे? 90 रहे। तुम्हें समझ में आया ऐसा क्यों जरूरी था? आया समझ में? Yes, इसको अपन यूज नहीं करते हैं, इसको यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं किया अपन ने, क्या जुगाड़ किया? यहाँ दो तीन चीजें करते हैं अपन, वी डू टू थ्री थिंग्स। पहली एक दो चीजें मैं बताता जाता हूँ। सबसे पहला तो जो बेसिक नीड थी वो देखो यहाँ पे पूरी हुई है। अपन ने जैसे ही इसको थोड़ा ऐसा काट दिया, हॉट शू का शेप दे दिया है, तब उसके से क्या हुआ है, नॉर्थ पोल से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड और किधर पे जाएगी? साउथ पोल पे ऐसा जाएगी। अच्छा, कई बच्चों को लगता है कि सर इधर से इधर क्यों नहीं जा रही है, इधर से इधर भी तो जा सकती थी। तो मैं तुम्हें बता दूं कि यही रीजन है हम यहाँ पे ये जो बीच में चीज यूज कर रहे हैं ना, देखो तुमने यहाँ पे, मैंने वो चीज नहीं बनाई है, यहाँ पे मैंने इंटेंशनली वो चीज बनाई है। तो ये चीज पता है क्या है? व्हाट दिस इज, एनीवन? वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर टू एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर वाइंडिंग। अब यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर लेने का क्या लॉजिक है पता है? अभी तुमको मैं आगे पढ़ाऊंगा। सॉफ्ट आयरन कोर है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कैसा मटेरियल है? इट इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर तुमने स्कूल में पढ़ लिया तो तुम जानते हो उसके अंदर कैसा प्रॉपर्टी आती है, जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को बहुत अच्छे से जाने देता है, वो अपने सारे डाइपोल्स को बहुत प्रॉपर्ली अरेंज कर लेता है। करता है नहीं करता है? तो इसकी वजह से क्या होता है, ये इसके जितने डाइपोल होते हैं ना, ये तुरंत अच्छे से एक बहुत प्यारे तरीके से घूम जाते हैं। तो उसके कारण ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है ये अपने अंदर से बहुत प्रिसाइज वे में मूव ऑन कराता है। तो इसीलिए कोई भी मैग्नेटिक फील्ड सामने सामने नहीं जाके इसके अंदर से जा रही होती है, बिल्कुल ऐसा रेडियली, ऐसा, ठीक है, ऐसा। समझ पा रहे हो चीजें? क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे बस तुम्हें थोड़ा सा ध्यान से देखना है चीजों को, बाकी अब तुम कर ले जाओगे। अब यहाँ पे देखो, इस वक्त जो लूप है, लूप को अगर तुम ध्यान से दो, लूप में से वैसे तो कई मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। ये जो मैंने लूप बनाया है, फ्रॉम दिस लूप देयर आर मेनी मैग्नेटिक फील्ड पासिंग, बट एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें ऐसी जरूर दिखेगी हर केस में। इसको मैं कैसा भी घुमा दूं, मैं अभी इसको घुमा के भी दिखा देता हूं, मैं तुम्हें इसको अभी घुमा के भी दिखा देता हूं, तुम्हें एक बार अच्छे से पूरा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि इसको क्यों यूज कर रहे हैं, रेडियल यूज करने का क्या लॉजिक है, दैट यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड। देखना ध्यान से, देखो अब मैं इसको कैसे भी घुमाऊं, मैं घुमाता हूं इसको, है ना, लेट मी मूव इट। अब मैं इसको कैसे भी घुमाऊं,
तुम नोटिस करोगे कि हर केस में कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड कैसी है जो इसके साथ लूप के साथ क्या बना रही है, एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल, सबको दिख रही है हर केस में, इन एवरी केस में कितना भी घुमा दूं, ये हर केस में इसके साथ कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो कितना एंगल बना रही है एरिया वेक्टर के साथ। ये कौन है सर? क्या क्या आई बात समझ में कि क्यों रेडियल यूज कर रहे हैं, बोलो। यस सर। सो इन एवरी केस वी आर गेटिंग अ फील्ड, जैसे इस केस में ये है, तुम कहीं और घुमाओगे तो कोई और आ जाएगी, तुमने मान लो ऐसे इतना घूम गया, ये अब इतना घूम गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है उससे तो हमें मतलब ही नहीं है, परपेंडिकुलर वाली तो वैसे भी जीरो हो जाएंगी, जो हमें मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लूप से पास हो रही है यानी एरिया वेक्टर की क्या है परपेंडिकुलर, तो हर केस में तुम्हें मिलने वाली है, तो दैट्स व्हाई वी यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट का ज्यादा यूज करते हैं, कैसा मैग्नेट का यूज करते हैं, हाँ हॉर्सशू मैग्नेट का हम ज्यादा यूज करते हैं ना, क्योंकि वो कर्व्ड होती है। समझा ही वापस, चलो छोड़ो घूमना। सर लेकिन जो फील्ड लाइन परपेंडिकुलर नहीं है उसके वजह से भी तो डिस्टरबेंस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि सी एंड एंड ऑफ द डे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा ही रखी है जो कि उसको रेजिस्ट कर रही है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि जो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड उनकी वजह से वो ऐसा ऐसा खुला घूम रहा है, दिस वोंट हैपन, देयर इज अ स्प्रिंग जो कॉन्स्टेंटली उसको एक रीस्टोरिंग टॉर्क दे रही है। उसके बाद तुम्हें पता है जितनी और भी मैग्नेटिक फील्ड होंगी उसके कंपेयर में सबसे ज्यादा कौन सी वाली होगी, जो 90 डिग्री पे है एरिया वेक्टर के, वो वाली होगी या नहीं होगी, किसका टॉर्क सबसे ज्यादा होगा, 90 वाला, 90 डिग्री वाले का, तो बाकी तो बच्चे हैं ना उसके आगे, वो कितना ही डिस्टरबेंस करेंगे, नो डाउट देते हैं, बट बाकी क्या है, बच्चे हैं। हर केस में तुम्हें क्या ही मिल रहा है, मैग्नेटिक 90 वाला मिल ही रहा है, तो 90 वाला अपना एक्ट कर रहा है, वो मैक्सिमम है, तो उसको ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला है किसी और से, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये तुम्हारा साउथ है, सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके लिए अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, सेम एक्सप्रेशन, सेम स्प्रिंग है, सब कुछ सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, व्हाट आई विल बी राइटिंग हियर, मैं क्या लिखूंगा ध्यान से देखना, तुम्हें पता है टॉर्क कितना होता है, एन आई ए बी, यहाँ साइन थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वही सी फाई के बराबर। अब यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें बस याद रखना है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर तुम अब यहाँ पे देखोगे एन कॉन्स्टेंट, मैं लिख दूं क्या इधर, एस एन बी एंड ए एन बी ए एंड सी आर कॉन्स्टेंट, सी आर कॉन्स्टेंट, तो हम क्या कह सकते हैं, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फाई, तुम्हारा काम हो गया, यही तुम चाह रहे थे बनाना, दिस इज व्हाट यू हैव वांटेड ऑलवेज, कि जितना ज्यादा करंट हो उतना ही ज्यादा क्या हो, डेविएशन आए, तुम्हारा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का काम पूरा हो गया है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो समझो, जिस चीज पे क्वेश्चन बनते हैं एक्चुअली में, वो क्या कॉन्सेप्ट है, तो कुछ एक कॉन्सेप्ट है छोटे मोटे, जैसे एक कॉन्सेप्ट आता है उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी, क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी होती क्या है, सेंसिटिविटी हमें बताती है कि कितना छोटे से छोटे करंट पे कितना ज्यादा तुम्हें डेविएशन देखने को मिल रहा है, तो एक्चुअली सेंसिटिविटी भी तुम बुक में देखोगे दो टाइप से डिफाइन है, एक होती है करंट सेंसिटिविटी, क्या होती है, एक होती है करंट सेंसिटिविटी, इतना परेशान मत हो रे, इजी चीजें कर ले जाओगे तुम, एक होती है करंट, एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी की क्या बताएगी कि यूनिट करंट पे कितना डेविएशन देखने को मिल रहा है, देखो मेरी लैंग्वेज समझो, मैं जो मुंह से बोल रहा होता हूँ ना उसको पढ़ा करो, तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, अगर मैं लिखूं तो द करंट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, ऑफ अ गैल्वेनोमीटर क्या होती है, इज अ डिफ्लेक्शन shown in या deflection shown by galvanometer for a unit current, ठीक है, कि पर यूनिट करंट में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मैंने अभी तुमको फॉर्मूला याद रखने को बोला था, क्या तुमने फॉर्मूला याद रखा है, एन आई ए बी इसके बराबर था सी फाई के, मैं अपने मुंह से क्या बोल रहा हूँ, यूनिट डिफ्लेक्शन पर यूनिट
करंट कितना हो जाएगा? इसको क्या बोलते हैं अपन, ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म यहाँ पे लिखा है, कौन सा वाला टर्म? ये वाला टर्म, दिस एंटायर टर्म, इस पूरे टर्म को क्या बोलते हैं अपन? सेंसिटिविटी, है ना, करंट सेंसिटिविटी। दिस इज करंट सेंसिटिविटी। अब सिमिलरली, सिमिलरली क्या होगी तुम्हारे पास? अब हम ये चीजें क्यों पढ़ रहे हैं पता है? क्योंकि अभी हम लोग को क्या बनाना है, अमीटर और वोल्ट मीटर बनाना है, तो अपने को वहां पे गैल्वेनोमीटर चूज करना पड़ेगा कि एमीटर के लिए ये लें, वोल्ट मीटर के लिए ऐसा लें, क्योंकि अपने को देखना है कि किस केस में गैल्वेनोमीटर लगाए, किस केस में कैसा गैल्वेनोमीटर लगाए। अभी करंट के केस में तुम्हें देखना पड़ेगा कि दो गैल्वेनोमीटर में कौन सा अच्छा है, तुम्हें पता होना चाहिए इसकी करंट सेंसिटिविटी इतनी है, तो मैं उसको ही लूंगी जो ज्यादा ज्यादा डेविएट करेगा आराम से। अच्छा वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है वो भी लिख लो, वो क्या होगा? अच्छा खुद तुम लोग बताओ डेफिनेशन, खुद सोच के बताओ क्या होगी वोल्टेज सेंसिटिविटी की डेफिनेशन, व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी? सर जब पोटेंशियल डिफरेंस डिफ्लेक्शन ऑन बाय गैल्वेनोमीटर फॉर ए यूनिट वोल्टेज पर यूनिट वोल्टेज, तो इसी को अपन क्या कर लेते हैं, इसे रख लेते हैं इधर, तो द करंट सेंसिटिविटी क्या कर लेते हैं, वोल्टेज सेंसिटिव, द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज द डिफ्लेक्शन शोन बाय अ गैल्वेनोमीटर फॉर अ यूनिट पोटेंशियल। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे देखो, इसको साइड में कर देता हूँ, एक मिनट इसको साइड में कर दो। उधर करो, उधर करो, इसको थोड़ा ऊपर कर लो। चलो अब इसको कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला बनाने का ट्राई करो, तुम ही लोग ट्राई करो, अब तुम लोग इस लेवल पे आ गए हो कि पढ़ा सको मेरे को। थीटा अपॉन आई आर, फाई अपॉन आई आर, हाँ फाई अपॉन आई आर, तुम्हें पता है कहाँ गया, तुम्हें पता है। देखो तुमने भी ये फॉर्मूला बनाया, तुम्हें आई की जगह वी लाना है, तो आई को क्या लिखोगे तुम, वी बाय आर, आई को क्या लिखोगे, वी बाय आर। देखो इस फॉर्मूले को देखो, मैं इसी फॉर्मूले को लिख रहा हूँ, आई को क्या लिखोगे, वी बाय आर। सो वी बाय आर इक्वल्स टू एन ए बी बाय सी, तो यहाँ से तुम्हारी वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी आ गई, फाइव बाय वी इज नथिंग बट एन ए बी बाय सी आर। ये कोई टफ चीज है? अब ये सब चीजें ऐसी हैं जो सब बच्चों को नहीं पता होती है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जस्ट सिंपली स्किप दिस पार्ट, इवन बोर्ड्स में भी आता है और कॉम्पिटिशंस में भी पूछा जाता है, गैल्वेनोमीटर सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लगाते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, रेडियल क्यों यूज करते हैं, ये वाली क्यों नहीं यूज करते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि रेडियल क्यों यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज करते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इट, ऐसा ही क्यों डिजाइन किया गया है। तुम्हें समझ में आया ना कैसा वर्क कर रहा है गैल्वेनोमीटर का काम, समझ में आ गया? सर वोल्टेज सेंसिटिविटी तो सर पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके एंड्स के लिए होते हैं। हाँ तो एंड्स के लिए तुम करंट तुम फ्लो करा रहे हो, तो करंट तुम जादू से थोड़ी ना ला रहे हो, करंट कहीं से ही आ रहा होगा, कहीं ना कहीं तुम पोटेंशियल तो अप्लाई किया ही होगा ना तुमने। अब चलो अब एक दो चीजें पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आज ही खत्म करना है अपने को, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अब क्या देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू क्या, एमीटर एंड वोल्टमीटर, एमीटर गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर देख लेते हैं पहले। अब क्यों ऐसा करना है कि तुम्हें पता है गैल्वेनोमीटर कैसा करंट मेजर कर रहा था, ये भी देखो, ये भी तुम्हें आता है, दिस इज आल्सो समथिंग यू नो। हाँ तुम्हें पता है गैल्वेनोमीटर में क्या गड़बड़ थी, वो कैसा करंट मेजर कर रहा था, मान लो ये एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, इस वायर में क्या फ्लो कर रहा है, करंट। अर्शी ने यहाँ पे क्या लगा दिया है, गैल्वेनोमीटर। अब मान लो एक करंट बहुत ज्यादा है, इफ दिस करंट इज वेरी हाई, मान लो ये करंट जो है यहाँ पे जो अपन करंट ले रहे हैं, एक मिनट ना, यहाँ पे जो अपन करंट ले रहे हैं, मान लो ये करंट क्या है, This I is very big. तो ये गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, नहीं खराब हो जाएगा, उसकी कॉइल जल जाएंगी, कुछ हो जाएगा, रा डिफ्लेक्शन दे देगा, सेंसिटिव होता है, खराब हो गया यहाँ पे। तो अब तुम क्या चाहते हो, यहाँ पे तुम्हें अगर करंट बताना है, सो व्हाट यू वांट, तुम चाहते हो कि गैल्वेनोमीटर तो मेरा डिफ्लेक्शन दे, बट इसके पास से जो करंट पास हो वो कैसा हो, मिनिमम से मिनिमम। उसके लिए तुम क्या करोगे, उसके लिए तुम कुछ नहीं करोगे, तुम इसके इसके बाजू में एक वायर लगाओगे या एक रेजिस्टेंस लगाओगे। अब मान लो तुमने इधर रेजिस्टेंस लगाया है, तो ये रेजिस्टेंस तुम कैसा चाहते हो, हाई पोटेंशियल का या लो, सॉरी हाई रेजिस्टेंस चाहते हो या लो रेजिस्टेंस चाहते हो, ये मत बताना जो तुम्हें पता है,
तुम अपने लॉजिक से सोच के बताओ कि ये रेजिस्टेंस आर कैसा होना चाहिए, ज्यादा रेजिस्टेंस का होना चाहिए, बहुत कम रेजिस्टेंस का होना चाहिए, कैसा होना हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। देखो अभी अस्तुति कह रही हाई रेजिस्टेंस होने चाहिए, तो एक बात समझो, मान लो यहाँ पे ये करंट नहीं है, यहाँ पे यश है, यहाँ पे ये यश है। अब यश कौन सा पाथ चूज करेगा, जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है या जिसमें कम रेजिस्टेंस है? कम कम वाला चूज करेगा। तो अगर तुमने इसको हाई रखा तो यश ज्यादा से ज्यादा यश कहाँ से जाना चाहेगा? गैल्वेनोमीटर से। क्या तुम चाहते हो कि गैल्वेनोमीटर से ज्यादा यश जाए? नो सर। नहीं सर। तो तुम्हें ये कैसा रखना है? बहुत लो। तो इसीलिए बोलते हैं शंट, इसी को शंट, शंट किसी भी चीज को नहीं बोल देंगे, कोई भी जो वायर के पैरेलल रेजिस्टेंस लगा है उसको कभी शंट मत बोलना। शंट सिर्फ किसको बोलेंगे बच्चों? लो रेजिस्टेंस को। सो इफ अ लो रेजिस्टेंस वायर, लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड कनेक्टेड इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर, तो क्या होगा? मैक्सिमम करंट विल फ्लो फ्लो फ्रॉम दैट वायर और रेजिस्टर। ठीक है, आई बात समझ में? देखो समझो, लॉजिक समझो, याद मत रखो। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्यों नीड है शंट लगाने की? तुम और कहीं नहीं लगा सकते, तुम्हें एक बहुत लो रेजिस्टेंस वायर। अब वो, अब मैं तुमसे सादी सिंपल सी बात पूछूं, अगर इसका मान लो रेजिस्टेंस जी है, इसका रेजिस्टेंस एस है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, जी का, जी वा का या एस का? जी का। जी का। जी का। जी का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। तो तुम्हें अब सब चीजें खुद पता है, यू नो इट वेरी वेल। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? सो दिस दिस वायर S is known as shunt. इस पे भी काफी क्वेश्चन आते हैं। अब बेसिक फिजिक्स है, तुम्हें सब आता है, अब तुम्हें इसमें क्या लगाना है? ये दोनों कैसे हैं? अगर ये पॉइंट एक A है, ये पॉइंट B है, गैल्वेनोमीटर ये पूरा टोटल एक एक साथ ये पूरा क्या है? ये पूरा अमीटर कहलाएगा, है ना? शंट प्लस गैल्वेनोमीटर, इसको अपन क्या बोलेंगे? अमीटर बोलेंगे। अब बेसिक कैलकुलेशन है, वो भी तुम्हें आती है, तुम्हें पता है ए और बी में, अगर बात करूं ए और बी में पोटेंशियल क्या रहना चाहिए? सेम सेम रहना चाहिए। तो मान लो इसमें आई करंट आया, इसमें अंदर गया आई जी, इसमें कितना गया करंट? आई जी, आई इन गैल्वेनोमीटर, है ना? इसमें मान लो आई जी, हाँ इसमें गया करंट आई जी, और शंट में कुछ करंट गया, वो शंट के करंट की भी वैल्यू तुम्हें पता है, शंट में कितना करंट गया होगा अगर उसमें आई जी गया है? तो देखो I माइनस आई जी। अब मैं यहाँ पे कोई और करंट क्यों नहीं मान रहा हूँ? क्योंकि मुझे I तो चाहिए मेरे एक्सप्रेशन में, बिकॉज I इज समथिंग दैट आई वांट टू कैलकुलेट, उसीलिए तो मैं क्या बना रहा हूँ? एमीटर, है ना पलक? सो I तो चाहिए, सो I माइनस आई जी विल बी देयर इन द शंट, शंट का रेजिस्टेंस मुझे पता होगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मुझे पता होगा, मेरा गैल्वेनोमीटर है, तो क्या लिखूंगा मैं? वी अक्रॉस जी इक्वल्स टू वी अक्रॉस एस लिखूंगा या नहीं? बेसिक बेसिक एनर्जी कंजर्वेशन पता है तुमको, तो यहां से अब तुम क्या बोलोगे? Vg कितना होगा? Ig into g होगा या नहीं होगा? और Vs कितना होगा, सोच के बताओ। I minus Ig into s, बस ये तुम याद रख लेना, इससे ज्यादा तुम्हें कोई दुनिया का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। अब जो बच्चे एक्स्ट्रा हैं या जिनको अच्छे से फॉर्मूले याद रखने हैं, नीड बिल्कुल नहीं है, तुम्हें ये चीज समझ में आ गई, हर क्वेश्चन में यही लगाना, उतना ही टाइम लगेगा, फॉर्मूला लगाओगे तो और कंफ्यूज ही होगी, तो इट्स बेटर यू कैन डायरेक्टली गो विद दिस। अगर फिर भी कहीं कभी दिक्कत हो तो तुम क्या कर लेना, इसको डायरेक्टली, कई बच्चे कैसे याद रख लेते हैं, मैं वैसे लिख के दिखा देता हूँ, आई जी इंटू जी इक्वल्स टू आई एस माइनस आई जी एस, फिर इसको उधर लाओगे, तुम्हें आई निकालना है ना, मेन मेन तुम्हारा ये आई निकालना है मोटिव, तो आई को एक जगह कर दो, बाकी सबको दूसरी जगह कर दो, देखो क्या आने वाला है, तुम्हारी वैल्यू आने वाली है, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो आई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो आई जी इंटू जी प्लस एस बाय एस आ जाएगा। तो यही ऐसा फॉर्मूला आई थिंक तुम्हें बुक्स में दिखा मिला लिखा दिखेगा, है ना? ऐसा लिखते हैं, कई लोग कैसा लिख देते हैं, कई लोग ऐसा लिख देंगे आई जी अपॉन जी इक्वल्स आई जी अपॉन आई इक्वल्स टू एस अपॉन एस प्लस जी। बोलो क्लियर है बात, तुमको समझ में आया व्हाट वी आर डूइंग हियर? यस सर। तो तुम यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, अभी क्वेश्चन ट्राई कर लो, चलो फिर अगर टाइम बचेगा तो अपन वोल्ट, या पहले वोल्ट मीटर कर लेंगे अपन, वोल्ट मीटर बहुत सिंपल है, वोल्ट मीटर भी देख लो,
मिनट लगेगा यार, प्लीज वोल्ट मीटर भी देख लो, वोल्ट मीटर भी देख लो यार, सिंपल है, दिखा दू ना, लेट तो नहीं हो रहा किसी को, जितने पूछो उत्तर में तो एक बच्चा भाग गया। तो ये क्या है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर में तुम्हें क्या मेजर करना है, वोल्टेज, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तुम किसी अक्रॉस मेजर करते हो, क्या मैं किसी वायर में पोटेंशियल ड्रॉप तो देख नहीं सकता, मैं पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा किसके अक्रॉस देखूंगा, किसी ना किसी लोड के अक्रॉस, क्योंकि कोई लोड होगा तो ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अदरवाइज तो पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा, है या नहीं बात, पोटेंशियल ड्रॉप किसी लोड के अक्रॉस ही होगा ना, वायर में तो मान चलते हैं कि उसका कुछ रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तभी मान लो ये रेजिस्टेंस आर है, इसके अक्रॉस तुम्हें पोटेंशियल लगाना है, तो तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पे लगा दोगे गैल्वेनोमीटर अपना, तुम यहाँ पे अपना गैल्वेनोमीटर लगा दोगे, और यहाँ से जो भी करंट फ्लो होगा, यहाँ से जो भी करंट फ्लो होगा वो करंट इसको डेविएट करेगा, तुम ऐसे उसको वो कर दोगे सेट कि फॉर पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इतना करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे अगेन व्हाट यू वांट, तुम नहीं चाहते हो कि इससे करंट, तुम क्या चाहते हो गैल्वेनोमीटर से करंट कैसा पास हो, मैक्सिमम या मिनिमम, मिनिमम मिनिमम, तो मिनिमम करंट पास कराने के लिए तुम यहाँ पे कैसा रजिस्टर लगा दोगे, एक कैसा रजिस्टर लगाओगे, आर से ज्यादा, आर से ज्यादा, तुम एक हाई हाई रजिस्टर वायर या फिर कुछ एक बहुत बड़ा हाई रेजिस्टेंस लगा दोगे, ठीक है, इसको आर नहीं, इसको आर मान लेते हैं अपन, एक काम करते हैं इसको आर मान लेते हैं, ठीक है, और ये इसके अक्रॉस तुम्हें ये पोटेंशियल, दिस इज समथिंग दैट यू वांट टू मेजर, ये वी तुम्हें मेजर करना है, तब तुम्हें पता है वी कितना हो जाएगा, अगेन सेम बेसिक कैलकुलेशन, बताओ सोचो, सेम चीज सोचो, देखो यहाँ पे करंट कितना होगा, आई जी होगा, यहाँ करंट कितना होगा, आई जी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लो जी, तो तुम पता है वोल्टेज कितना हो जाएगा यहाँ पे, आई जी अपॉन या आई जी इंटू जी प्लस आर, नहीं हो जाएगा, बोलो यस सर, चेक, इसमें और इससे ज्यादा थोड़ी ना पूछे, अब वो तुमसे बस क्या पूछेगा, क्वेश्चन तुम्हें पूछेगा कि ये रेजिस्टेंस कितना लगाए, तो रेजिस्टेंस तुम्हें पता है कितना लगाए, तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस तुम ऐसे निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे, वी बाय आई जी माइनस जी इक्वल्स टू आर, बस खत्म, दैट्स इट, नथिंग फैंसी, एक क्वेश्चन कर लो, टाइम है अभी तो वी कैन डू वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन करते हैं, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, पहले ये क्वेश्चन रीड आउट करो, इसको ट्राई करो सब, कह रहा है वी हैव अ गैल्वेनोमीटर एंड हैज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर, तो ये क्या दिया गया है उसने, ये उसने क्या दिया है, करंट सेंसिटिविटी 5, ठीक है, 5 दिया है एक के लिए, करो ट्राई करो इसको, हुआ नहीं हो रहा है, कराऊं क्या मैं, अच्छा कैसे करेंगे, अप्रोच समझ में आ रही है, अप्रोच भी नहीं समझ में आ रही है, बोलो, हेलो बच्चों, अप्रोच समझ पा रहे हो नहीं, चलो मैं बता दूं, कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें बता देता हूं, इधर आओ इधर आओ, चलो इधर आओ इधर आओ, देखो सर सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए ये तुमने आईजी लिया क्या है, ये जो आईजी है इसको क्या बोलते हैं, इधर देखो ये आईजी को क्या बोलते हैं, मैं तुम्हें बता दूं, ये बात याद रखना, यहाँ पे जो आईजी होता है ये पता है क्या होता है, आईजी को अपन बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं, आईजी इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट,
आईजी अपन क्या सेट कर रहे हैं, वो मैक्सिमम वैल्यू सेट कर रहे हैं जिसमें मेरा गैल्वेनोमीटर नहीं फूटेगा, उसके बाद कुछ भी जाएगा तो वो खराब हो जाएगा. सो आईजी इज दैट मैक्सिमम वैल्यू जिसपे गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डेविएशन देगा. तो क्या है ये आईजी? आईजी इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होता है, कि एक ऐसा करंट जिसमें गैल्वेनोमीटर क्या दे रहा है, पूरा पूरा डिफ्लेक्शन दे रहा है. अब ट्राई करो देखो इस क्वेश्चन को. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये गैल्वेनोमीटर है जिसके पास दैट हैज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर, कि एक मिली एम्पियर करंट पे वो 10 डिविजन्स दे रहा है. कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 60 ओम इफ द शंट ऑफ 2.5 ओम इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर एंड देयर आर 50 डिविजन्स ऑन द स्केल ऑफ द गैल्वेनोमीटर देन व्हाट मैक्सिमम करंट कैन दिस गैल्वेनोमीटर कैन मेजर. ये बात तुमसे पूछ रहा है. तो पहले तो अपन निकालते हैं यहाँ पे फुल, एक मिनट, फर्स्ट वील ट्राई टू कैलकुलेट यहाँ पे फुल स्केल डेविएशन करंट कितना होगा. फुल स्केल डेविएशन करंट कितना होगा, देखो कितना होगा फुल स्केल डेविएशन करंट. तो ध्यान से देखो इधर, मैं एक हमेशा पहले डायग्राम बना लो गाइस, पता है, ऑलवेज ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. तुम्हें पता है कि ये तुम्हें करंट निकालना है, इसके अक्रॉस तुमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है. हाँ सॉरी, इधर नहीं, इधर नहीं, यहाँ पे तुम्हें करंट निकालना है. ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर लगा है, ये करंट है, और इसके अक्रॉस तुमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, शंट. ये तुमने शंट लगा रखा है. अब तुम्हें आईजी निकालना है, तो तुमसे वो बोल रहा है कि वो एक मिली एम्पियर पे कितना चलेगा, 10 डिविजन. तुम्हें पता है उसने तुम्हें दिया है 5 बाय 1 एम्पियर, है ना, 1 मिली एम्पियर कितना दिया है, 10 डिविजन. तुमसे वो बोल रहा है कि उसकी मैक्सिमम वो कितनी है, देयर आर 50 डिविजन, 50 डिविजन है. कितने डिविजन है, 50. तो खुद सोचो, अगर 1 मिली एम्पियर पे वो 10 डिविजन खसक रहा है, तो 50 डिविजन जाने के लिए उसको कितने मिली एम्पियर हमें देना पड़ेगा, 1/10 × 50 mA. सादी सिंपल सी बात है, इसको ऐसे कर लो. इतना उसने सही बोला है, वैसे जो भी बोला है, तुम्हें पता है कि अभी 1 मिली एम्पियर में वो तुमको कितने डिविजन दे रहा है, 10 डिविजन दे रहा है. तुम्हें चाहिए कितने, 50 डिविजन. तो 50 डिविजन कब मिलेंगे, ऑब्वियसली 5 मिली एम्पियर. तो आईजी यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा, 5 मिली एम्पियर. देख रहे हो कितना छोटा सा करंट है जो इसका मैक्सिमम है, इससे ज्यादा वो ले ही नहीं सकता. और तुमसे पूछ क्या रहा है, देयर आर 10 डिविजन्स ऑन द स्केल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, देन व्हाट इज द मैक्सिमम करंट. अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे अगर करंट आई आ रहा होगा, इफ द करंट इज आई, तो इसमें करंट कितना जा रहा होगा, आई जी. इसमें इधर करंट कितना जा रहा होगा, आई माइनस आई जी. अब तुम्हें पता है, सिंपल अभी पढ़ाया, आई माइनस आई जी इंटू क्या करोगे, शंट का रेजिस्टेंस. शंट का रेजिस्टेंस देखो उन्होंने दिया है 2.5, इसके बराबर होना चाहिए. आई जी इंटू किसका रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है क्या उन्होंने, यस सर, 60 ओम. 60. अब इसको सॉल्व कर लो, आईजी की तुमने अभी वैल्यू कितनी निकाली है, 5 × 10⁻³ - 3 × 60. ये कितना आ गया, देखो आई तुम्हें निकालना है, माइनस आईजी कितना है, 5 × 10⁻³ - 3, 2.5. अब इसको सॉल्व करो, 2.5 × 1 = 2.5 × 2 = 5. ये कितना आ गया, 6 × 120 × 10⁻³ = 3 = i − 5 × 10⁻³. इसको सॉल्व, अरे यार कितना इजी क्वेश्चन है. तो कितना आ गया i, 125 × 10⁵. कैसे आ गया, मेरा तो कितना आ रहा है, 0.125 एम्पियर आ रहा है, 125 मिली एम्पियर. आया समझ में? अब ये क्वेश्चन है, घर से करना है, इसका स्क्रीनशॉट लो, मेरे को भेजो, सॉल्व करके मेरे को भेजो, ठीक है. आई होप तुम्हें क्लास पसंद आई हो. आई थिंक यू कैन एंड द क्लास नाउ. यहाँ पे मैंने तुम्हें सब पढ़ा दिया है, प्रॉब्लम्स बची हैं. वी विल डू हेल आउट ऑफ अ प्रॉब्लम, वी विल डू मेनी 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 प्रॉब्लम्स.